हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारे एरे डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, तो प्रॉब्लम है कि हमको सम फाइंड आउट करके बताना है डिस्टिंक्ट एलिमेंट का हमारे गिवन एरे में से। ठीक है, तो यू आर गिवन एन एरे ARR ऑफ साइज एन, फाइंड सम ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन एन एरे। डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मतलब वैसा एलिमेंट जो कि डिस्टिंक्ट हो बेसिकली। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको दूसरा टेस्ट केस देखे ना, तो 5 एलिमेंट है हमारे एरे में और सारा एलिमेंट 5 ही है, तो हमको सारा एलिमेंट का सम नहीं फाइंड आउट करके बताना है, हमको डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सम फाइंड आउट करके बताना है। तो इन सब में सारा एलिमेंट हमारा डेप्रिकेट हो जाएगा, सिर्फ हम कंसिडर करेंगे 5 को। ठीक है, तो आइए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम इसमें मैप नहीं यूज करके सेट यूज करेंगे, क्योंकि हमको पता है सेट डेटा स्ट्रक्चर में डुप्लीकेट एलिमेंट हमारा इंसर्ट नहीं होता है। ठीक है, सेट ऑफ इंटेंस। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर लो, आप अपने एरे को ट्रैवर्स कर लो, फॉर इंट आई असाइन 0, आई शुड बी लेस देन एन आई प्लस प्लस, और आप क्या कर लो, इंडिविजुअल एलिमेंट को अपने सेट में इंसर्ट कर लो। ठीक है, एरे ऑफ आई। ठीक है ना, इसके बाद आप एक वेरिएबल बना लो, इंट सम असाइन 0। उसके बाद आप क्या कर लो ना, अब सेट डिक्लेयर करके इस पर्टिकुलर बड़े कॉल सेट को ट्रैवर्स कर लो। ठीक है, क्योंकि कम हमको सेट में सारा एलिमेंट प्रेजेंट है, बस हमको सेट को ट्रैवर्स करके उसके इंडिविजुअल एलिमेंट का ही तो सम फाइंड आउट करना है, इतना ही सब काम करना था। ठीक है, ये हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स हो गया, और इसमें हम कुछ नहीं, हम सम प्लस इक्वल्स एस्ट्रिक ऑफ ITR कर लेंगे, और एट लास्ट हम रिटर्न कर देंगे सम। ठीक है, यहाँ पे हमारे सेट का नाम है आंसर, तो आप इसको एस को रिमूव कर लो, रिप्लेस कर लो बेसिकली आंसर से। ठीक है, कंपाइल करते हैं इस कोड को। ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक मानेंगे हम, बाकी हम इसमें कोई एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर या फिर कोई अपना खुद का दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगा है, सारा काम हमारा डेटा स्ट्रक्चर में ही हो जा रहा, बस हम एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं और दैट्स ऑल। अगेन ये TLE दे रहा है भाई, क्या हो गया, GIGS वाले को लगता है एक मैसेज लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि भाई आप अपना कंपाइलर को ऑप्टिमाइज कर लो, क्योंकि कोड हमारा फट जा रहा है। ठीक है, तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो गया। ठीक है, हमको कुछ करना ही नहीं था, हमको बस डुप्लीकेट एलिमेंट को रिप्लेस करके जो भी हमारे एरे में एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ना, उसका सम फाइंड आउट करना था, मतलब हमको डुप्लीकेट को रिमूव करना था। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सेट डेटा स्ट्रक्चर हम यूज कर लिया, हमको सेट व्हाट आई कॉल प्रॉपर्टी पता है कि उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है, वो जो भी एलिमेंट होगा हमारे सेट में वो सारा का सारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही होगा। ठीक है, तो एक बार हम अपने एरे को ट्रैवर्स करके सारे एलिमेंट को सेट में इंसर्ट कर दिए, अब इंडिविजुअल सेट के एलिमेंट का सम फाइंड आउट करके रिटर्न कर दिए, एज सिंपल एज दैट, इतना सा काम किया और हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को किस कंपनी ने पूछा है। इफ यू सी, इट इज बीन आज इन ऑक्सीजन वैलेट, जो कि एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।